गांव चलकोई में निजी स्कूल बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, गंभीर रूप से घायल को लाया गया जिला अस्पताल। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव चलकोई में एक निजी स्कूल की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरे में मोबाइल की लाइट जलाकर उसका इलाज शुरू करना पड़ा। चूरू पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़े ने बताया कि गाँव चलकोई निवासी 24 वर्षीय लक्ष्मण अपने भतीजे 18 वर्षीय सुरजीत के साथ बाइक पर सवार होकर तारानगर जा रहे थे, तभी निजी स्कूल की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में लक्ष्मण की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके भतीजे 18 वर्षीय सुरजीत को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हो सका। पुलिस ने मृतक के शव को तारानगर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इधर इस दुर्घटना की सूचना के बाद चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आज मेरे ग्राम पंचायत चलकोई के दो निवासी, एक लक्ष्मण और दूसरा सुरजीत, दोनों बाइक से तारानगर जा रहे थे और रास्ते में टोल नाके के पास तेज रफ्तार से सामने बस ने उसके टक्कर मारी। इस कारण लक्ष्मण मौके पर उसकी मृत्यु हो गई और सुरजीत गंभीर रूप से घायल, उसको तारानगर से चूरू के लिए रेफर किया है। प्रीमेंडेट विजय की यह घटना है।